गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू ईच वन ऑफ यू आपको दिल से सलाम आपके जज्बे के लिए आपकी मेहनत के लिए जो आपने लॉकडाउन के बावजूद घर में रहते हुए लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरह से फॉलो करते हुए पिछले छह दिन में जो बिजनेस में कमाल करके दिखाया है वो चमत्कारी है वो अनमैचेबल है अनबीटेबल है और मेरे को अब कोई डाउट नहीं है दिल में कि नाउ मोदी केयर विल बी दी वर्ल्ड नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा जो आपने लॉकडाउन के दिनों में मेहनत की है एक जैसे बिजनेस का सैलाब आ जाएगा जो आपने रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं आपको लॉकडाउन के बाद ये रिलेशनशिप्स बहुत मदद करेंगे बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाने में सो रियली ऑफ टू हैडी और अब इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं पूरी डायरेक्ट में किसी ने लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉकडाउन प्रूफ है लॉकडाउन का कोई भी असर इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होगा इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या आगे बेचने के लिए आपको कोरियर्स के ऊपर शिपिंग के ऊपर ट्रक्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा सो लॉकडाउन प्रूफ और ये आज की जरूरत है शायद सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो वो प्रोडक्ट है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं वेल well, इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं आइए थोड़ा सा बात करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के बारे में हम जानते हैं कि हमारी मोबाइल फोन्स अब हमारी जीवन रेखा के बराबर है इनफैक्ट हमारी जो पूरा जिसे हम कहते हैं लाइफ है वो हमारे मोबाइल फोन में आ चुकी है हम अपने मोबाइल फोन से सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार कित कई सारे काम करते हैं चाहे खाने का ऑर्डर करना हो चाहे शॉपिंग करनी हो मोदी के बिजनेस की ऑर्डरिंग करनी हो आपके मोदी का स्टेटस आपने चेक करना है पेमेंट्स करनी है वगैरह वगैरह सब कुछ हम आजकल जो है मोबाइल फोन्स में करते हैं एंड नाउ मोबाइल फोन्स आर आर लाइफ लाइन लेकिन अपनी लाइफ लाइन को अपनी मोबाइल फोन की हम सुरक्षा कैसे करते हैं उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं वे ज्यादातर तो लोग या तो एक कोई हार्ड कवर यूज कर लेंगे या स्क्रीन गार्ड यूज कर लेंगे लेकिन इस प्रोटेक्शन uh, से हमारे मोबाइल फोन को एक फिजिकल इंजरी से फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्शन तो मिल जाती है क्या वाकई में जो मोबाइल फोन के अंदर हमारा पूरा लाइफ हिस्ट्री छिपा हुआ है सेव्ड है हमारी फोटोग्राफ्स, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, हमारा सोशल नेटवर्किंग का डिटेल हमारे मैसेजेस जो सब कुछ उसमें सेव्ड है क्या वो डेटा प्रोटेक्टेड है वेल well, आपने सही गेस किया नहीं तो आइए चेक करते हैं कि क्या हो सकता है अगर हमने अपना डेटा प्रोटेक्ट नहीं किया क्या हमारे ऊपर भी कोई हैकिंग अटैक हुआ है या नहीं क्या आप जानना चाहेंगे तो एक टूल है हमारे पास और उस टूल में आप अपना ईमेल आईडी जो भी यूज करते हैं वो डालिए और आपको ये मालूम चल जाएगा कि पास्ट में क्या आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है या नहीं या कोई डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं या जो आपकी सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स तक पहुंची है या नहीं और इस टूल को यूज करने के लिए आप जा सकते हैं माइटी गार्ड अलर्ट डॉट मोदी केयर डॉट कॉम पर या आप इस क्यू आर कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन से और ये यू आर एल आपके ब्राउजर में खुल जाएगा तो आइए इसको भी हम यूज करते हैं सो मैं अपने लैपटॉप में ब्राउजर ओपन कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू माइटी गार्ड अलर्ट डॉट मोदी केयर डॉट कॉम और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि अभी तक एक बहुत बड़ा नंबर है 95 करोड़ अकाउंट्स हैक हो चुके हैं मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ईमेल आईडी में जो डेटा था क्या वो किसी हैकर के पास पहुंचा है या नहीं नहीं तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस के सर्च यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालता हूं शरद चौधरी एट एओ डॉट कॉम ये ई मेल आई काफी टाइम से यूज कर रहा था और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूं सिक्योर देखते हैं क्या बताता है मुझे खुद बहुत डर लग रहा है सो फाउंड इन नॉन डेटा माई गॉड मैंने कभी एडोबे के ऊपर रजिस्टर किया था तो यहां से मेरे ई मेल एड्रेस पासवर्ड हिंट पासवर्ड यूजर नेम हैकर्स के पास पहुंच चुके हैं और जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर मैंने रजिस्टर किया ये पंद्रह ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हैकर्स ने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन इवन अ वेबसाइट लाइक लिंक्डइन इन एड्रेस और पासवर्ड वहां से लीक हो गया या माइ स्पेस जो कि एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी या नेटलॉग सो दिस इज वेरी 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 स्केरी बहुत ही डरावना है कि पंद्रह बार मेरी ई एड्रेस और पासवर्ड लीक हुए हैं सो so ये टूल हमें बताता है कि हम किस तरह के इस समय टेक्नोलॉजी का जो हमारा पूरा दौर चल रहा है वो फायदेमंद तो है लेकिन खतरनाक भी है कि हम हमें हैकिंग का हम शिकार बने और हमें पता भी नहीं चला तो इस टूल से हम पता कर सकते हैं कि पास्ट में हमारा डेटा ब्रीच हुआ या नहीं एंड दैट इज वाई वी नो कि हमें सुरक्षित रहना है सो so, तभी बहुत ज्यादा जरूरत है मोबाइल सिक्योरिटी की क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम वाईफाई पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं या एयरपोर्ट पे या होटल में वाईफाई यूज करते हैं और मैं आपको बता दूं जो पब्लिक वाईफाई हम यूज करते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है एक मीडियोकर हैकर भी अगर उस वाईफाई के नेटवर्क पे है जिस वाईफाई को आप यूज कर रहे हो तो वो आपके अकाउंट में इंट्रूड कर सकता है और आपका डेटा चोरी कर सकता है हम अपने फोन में बैंकिंग की रिजर्वेशन की ऑनलाइन डिलीवरी गेम्स कितनी सारी एप्स डाउनलोड कर करते हैं और हमें यह नहीं मालूम कि वो एप्स जेन्यन है या उसमें से कुछ एप्स ऐसी हैं जो सेंधमारी कर रही है या जो चोरी कर रही है हमारे डेटा की और कई बार हम कुछ मूवी कंटेंट या एंटरटेनमेंट कंटेंट को अनलॉक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं वहां से भी हमारा डेटा चोरी हो सकता है और हमें कई बार फेक एसएमएस भी आते हैं कि आपने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करें आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे लेकिन जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो पता चलता है कि हमारे अकाउंट से ही पैसा निकल गया एंड दैट इज वाई वी नीड मोबाइल सिक्योरिटी हमारे मोबाइल को हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा मालूम है। हमारी मेमोरी हमारी याददाश्त इतनी नहीं है जितनी हमारे मोबाइल की है सो so, कोई भी प्राइवेसी आजकल इस जमाने में नहीं रह गई इनफैक्ट आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी गूगल आप गूगल डॉट कॉम पर गए और आपने कुछ सर्च किया फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया लेट से समूज और जो आपने सर्च किया वो आपके फेसबुक फीड में भी कुछ वैसी ही एड्स आनी शुरू हो गई कैसे मालूम चला फेसबुक को कि आपने गूगल पे जाके क्या सर्च किया था कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट नहीं है आज के टाइम में आईएसपी हो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो आपका ब्राउजर हो आपके मोबाइल में जो एप्स इंस्टॉल्ड हैं उन्हें मालूम है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं आप क्या क्या वेबसाइट जा रहे हैं क्या यूज कर रहे हैं और उनके पास आपकी प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक फोटोग्राफ्स लाइक पासवर्ड लाइक ई मेल भी हो सकती हैं और इस ई मेल पासवर्ड के साथ वो आपके नेट बैंकिंग एप्स में भी लॉग इन करके वहां से पैसा निकाल सकते हैं सो दिस इज वेरी वेरी स्केरी एंड ड्रामना और आप यहां पे देख रहे हैं न्यूज कटिंग्स में कि तकरीबन 2019 के साल में डेढ़ करोड़ मोबाइल फोन्स इंडिया में हैक किए गए थे कई सारे वायरसेस एंड्रॉय के डिवाइसेस में आ, आ चुके हैं इंफेक्शन हो चुकी है आ, के डिवाइसेस में और वहां से डेटा लीक हो रहा है न इससे बचने का तरीका क्या है अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो मोबाइल सिक्योरिटी रहे आप सेफली मोबाइल को इंटरनेट को एक्सेस करें तो जो तरीका है जिसको आज हम लॉन्च करने वाले हैं कल के दिन में आ, उस का नाम है माइटी गार्ड जो कि एक मोबाइल सिक्योरिटी एप है मिलिट्री ग्रेड है और इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है वो एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जो इंजीनियर्स ने इस माइटी गार्ड ऐप को बनाया है वो इसराइल में बेस्ड हैं और इसराइल जैसे कि मैं आपको बता दूं सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसराइल की मानी जाती है जब हम बात करते हैं डिजिटल सिक्योरिटी की या डिजिटल सर्वेलेंस की अपने आसपास इज़राइल के जितने भी देश हैं वो सारे दुश्मन देश हैं उनसे बचने के लिए इज़राइल ने अपने आप को इतना डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो अब नंबर वन बन चुका है डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज में और वैसी ही टेक्नोलॉजी मिलिट्री ग्रेड हमने यूज की है माइटी गार्ड में और माइटी गार्ड आपको आजादी देता है हर तरह के इंटरनेट थ्रेट से किसी भी मॉलवेयर के अटैक से किसी भी हैकिंग के अटैक से और आप आजादी से बिना किसी टेंशन के आजाद होकर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में और इंटरनेट का भरपूर फायदा और बेनिफिट ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के आजाद होकर तो आइए देखते हैं माइटी गार्ड आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं सो माइटी गार्ड आपको देगा एंटी थेफ्ट फीचर अगर फोन चोरी हो जाता है तो उसके बाद आप अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक कर सकते हैं एप लॉक फीचर इंट्रूडर अलर्ट कॉल ब्लॉकर पेरेंटल कंट्रोल डेटा ब्रीच प्राइवेसी एडवाइजरी एंड सिक्योर वीपीएन फायदे इसके ये हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं तो वो प्राइवेट ब्राउजिंग है आपके आईएसपी को भी नहीं पता चलेगा कि आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स कौन सी हैं तो आप एनोनिमसली ब्राउज कर सकते हैं वेब सिक्योरिटी है अगर आप एक पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो भी आपका जो आईपी है वो हिडन है यानी कि वाईफाई पे कोई भी हैकर आपको पहचान नहीं सकता और आपके मोबाइल फोन में एंट्री नहीं ले सकता और जैसे कि मैंने बताया जो भी डेटा ट्रांसफर है वो मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन है अगर कोई देखना भी चाहे और किसी तरीके से एंटर भी कर ले और आपका डेटा उसको मिल भी जाए तो भी वो डेटा पढ़ नहीं पाएगा बिकॉज वो एनक्रिप्टेड है एंड दिस इज मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन आइए फटाफट हर एक बेनिफिट के बारे में बात करते हैं जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है एंटी थेफ्ट जब आप इस को एक्टिवेट करेंगे माइटी गार्ड ऐप में और इसमें कई सारे फीचर्स हैं फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ द डिवाइस आपको मालूम चल जाएगा कि आपका डिवाइस कहां पर पड़ा है उसकी लोकेशन क्या है लॉक डिवाइस रिमोटली यानी कि आप अगर किसी ने आपका फोन चोरी कर लिया तो आप अपनी डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सकते हैं तो वो चोर ने बेशक फिजिकली आपका मोबाइल फोन चोरी कर लिया लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएगा रिमोट सायरन की एक फैसिलिटी है फोन बजना शुरू हो जाएगा सायरन बजना शुरू हो जाएगा और स्नैपशॉट ऑफ द थीफ और अगर वो चोर फोन में एंट्री लेने की कोशिश करता है पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा और अगर उसने तीन बार पासवर्ड गलत डाल दिया तो उसकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी और उसका स्नैपशॉट कैप्चर हो जाएगा सेकेंड फीचर इज दॉक फीचर कुछ वेबसाइट्स या कुछ एप्स ऐसी होंगी जो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आप ही यूज करें कोई और यूज ना करें आपके मोबाइल फोन में चाहे वो फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस क्रिटिकल कोई ऐप है जैसे हमारा मोदी के डॉट कॉम ऐप है यू सिर्फ आप ही उसको यूज करें तो आप एक ऐप लॉक फीचर इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं उस एप को यूज करने से पहले माइटी गार्ड आपसे पिन मांगेगा आप पिन डालेंगे जो सिर्फ आपको ही मालूम होगा तभी उस एप को आप यूज कर पाएंगे तो आपके बिना कोई भी ऐप को यूज नहीं कर सकता आपके अलावा देन देर इज इंट्रूडर अलर्ट नाउ दिस इज अ फीचर फॉर एग्जाम्पल आपका फोन कहीं पे 15-20 मिनट के लिए पड़ा है आपको ध्यान में नहीं रहा कोई व्यक्ति आता है और वो आपके फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो वो पासवर्ड एंटर करेगा अगर तीन बार से ज्यादा पासवर्ड डल गया गलत तीन बार से ज्यादा गलत पासवर्ड उन्होंने डाल दिया तो ये माइटी गार्ड की ऐप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की फोटो खींच लेगी और आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी परमिशन के बिना जिसने आपके मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी देन द फोर्थ फीचर इज कॉल ब्लॉकर बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स आती हैं अनवांटेड कॉल्स आती हैं यू नो मार्केटिंग वालों की बहुत सारी कॉल्स आती हैं आप उन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हो इस फीचर को यूज करके पेरेंटल कंट्रोल फीचर है बहुत सारी वेबसाइट्स या एप्स या कंटेंट ऐसा है जो आप चाहते हो कि बच्चे ना देखें यू नो बच्चे आजकल नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे मूवीज देखते रहते हैं बट आप चाहते हो कि वो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाएं तो आप पेरेंटल लॉक फीचर जो है एक्टिवेट कर सकते हैं तो जो वेबसाइट्स चिल्ड्रन के लिए बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है बच्चे उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे सिक्स इज द डेटा ब्रीच फीचर जो हमने पहले भी देखा था माइटी गार्ड अलर्ट डॉट मोदी डॉट कॉम पर जाकर यहां पे आप अपनी ईमेल आईडी डालें अपने फ्रेंड्स की अपने फैमिली मेंबर्स की और ये आपको बता देगा कि क्या पास्ट में कुछ भी डेटा ब्रीच हुआ था इस ईमेल आई से रिलेटेड या नहीं एंड देन यू कैन टेक प्रिकॉशन अगर आपको मालूम चल जाए कि कुछ डेटा ब्रीच हुआ था तो आप उस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं या अगर वो ईमेल आईडी आपके किसी बैंकिंग अकाउंट uh, के साथ भी uh, जुड़ी हुई है तो आप वहां पे अपना ईमेल आईडी भी चेंज करा सकते हैं फीचर नंबर सेवन इज प्राइवेसी एडवाइजरी हम कई बार कई सारी एप्स जब इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्स हमसे परमिशन मांगता है फॉर एग्जाम्पल कॉन्टेक्ट को एक्सेस करने के लिए या कैमरा एक्सेस करने के लिए और हम ज्यादा गौर किए बिना जितनी भी परमिशन उस एप ने हमसे मांगी हम सब के ऊपर यस 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 क्लिक करते जाते हैं पर कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐप्स हमारा सेंसिटिव डेटा चोरी करना चाहे तो इस फीचर में हमें यह मालूम चलेगा कि हमारे फोन में इस समय कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है और हमने उस ऐप को कौन कौन सी परमिशन दी हुई है हम इसको एनालाइज कर सकते हैं फिर जिस परमिशन को हम रिवॉक करना चाहें या रखना चाहें वो हम डिसाइड कर सकते हैं फीचर नंबर एट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर इज अ सिक्योर वीपीएन आप इस सिक्योर वीपीएन को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना सर्वर चूज कर सकते हैं आप इंडिया का सर्वर चूज कर सकते हैं या अमेरिका का सर्वर चूज कर सकते हैं या सम यूरोपियन कंट्री का सर्वर चूज कर सकते हैं नो इसका फायदा यह होगा कि जब आप सिक्योर वीपीएन यूज करके आ, इंटरनेट को ब्राउज करेंगे तो एक तो आपका आईपी जो इंटरनेट एड्रेस है जो इंटरनेट लोकेशन है वो किसी को मालूम नहीं चलेगी वो हिडन हो जाएगी और दूसरा यह भी है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्टेंट जो आप इंडिया में देख सकते हैं लेकिन जब आप इंडिया से बाहर गए वहां पर वो अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है जैसे एक वेबसाइट है हॉटस्टार हॉटस्टार इंडिया में बहुत पॉपुलर है uh, मैं उसके ऊपर क्रिकेट uh, uh, हमेशा देखता रहता हूं जब भी क्रिकेट का मैच होता है लेकिन जब आप मिडल ईस्ट में होते हैं जब कभी आप दुबई में होते हैं तो हॉटस्टार वहां पे अलाउड नहीं है तो आप वहां पे वीपीएन यूज करिए इंडिया वाला सर्वर चूज कर लें क्योंकि हॉटस्टार इंडिया में अलाउड है तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू You know, the, the of आप वाईफाई यूज कर रहे हो लेकिन कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा आपका जो इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रहेगी और सिक्योर तरीके से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो तो so जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो यह ऐप आप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा आपको उन परमिशंस को अलाउ करना है बहुत ही क्लियरली ये आपको बताएगा कि क्या क्या परमिशन ये ऐप ले रहा है सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और यू नो सो इस तरह का एक होम स्क्रीन रहेगा जिसके ऊपर ये आठों फीचर्स आपके एक्टिवेटेड है या नहीं है ये दिखाएगा अगर फीचर एक्टिवेटेड है तो डार्क कलर में रहेगा जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो वो लाइट ग्रे कलर में रहेगा आप उस फीचर के ऊपर टैब करके उस फीचर को अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं और ना मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इसका एम और डी कितना है तो जानना चाहेंगे और कितना बीवी आपको मिलेगा सो so, दिल थाम के बैठिए क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है आपके बिजनेस में कई गुना ग्रोथ लाने वाला है So, इसका जो एम आर पी है माइटी गार्ड का दिस इज सेवन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन रुपी एंड डी पी ट्रिपल सिक्स 60% सिक्सटी परसेंट विच इज थ्री हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन रुपी पी वी आपको मिल जाता है फोर्टीन पॉइंट सेवन एट सो दिस इज अमेजिंग हर किसी के फोन में जो भी अगर स्मार्टफोन यूज कर रहा है ये ऐप होना चाहिए आजकल चोरियां फिजिकली नहीं हो रही लॉकडाउन में सारे लोग घर हैं कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए आजकल चोरियां हो रही हैं डिजिटली और बिना हमें पता चले चोरी हो जाती है और हमें खबर भी नहीं पड़ती सो दिस इज द चौकीदार दिस इज द माइटी गार्ड इंटरनेशनल मिलिट्री ग्रेड और जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज लॉकडाउन प्रूफ कोई कोरियर की जरूरत नहीं है इसको खरीदने के लिए बेचने के लिए मोदीगे पे जाएं जैसे आप नॉर्मल परचेसिंग करते हैं प्रोडक्ट की वैसे परचेज करें एसएमएस आएगा उसमें एक्टिवेशन लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करें और बहुत आसानी से ये आप परचेज करके यूज कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है वहां से डाउनलोड कर लें एक्टिवेशन लिंक के थ्रू आपका मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे वो यूजर नेम रहेगा आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो यूजर नेम और पासवर्ड से आप एंट्री करेंगे लॉग इन करेंगे ऐप में और जब से आप इसको यूज करना शुरू करते हैं तब से आप आजादी से इंटरनेट यूज कर सकते हो और बिना किसी इंटरनेट थ्रेट के मालवीय के डर के यू कैन यूज इंटरनेट टू प्रोडक्टिव प्रोडक्टिवली बिल्ड योर बिजनेस थैंक यू सो मच